जी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप बहुत बढ़िया हो गए। तो आज मैं आ चुका हूँ फरीदाबाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत बढ़िया फेमस जगह पे आ रखा हूँ, जिसका नाम है वर्ल्ड स्ट्रीट, है ना। बाकी स्टार्टिंग में देख ही लोगे, प्रॉपर तरीके से दिखाई दूंगा मैं। अंदर एंट्री करने के बाद क्या ही सीन आते हैं इनके, क्या व्यू है, मतलब लाइटिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे। फोटो वगैरह बस ले सकते हो, देखो अभी ये रहा वर्ल्ड स्ट्रीट पूरा ऊपर एंट्रेंस प्रॉपर चारों तरफ। यहाँ ये इस साइड मार्केट, मतलब कैफे वगैरह भी है घूमने लायक। यहाँ पे एक आईफिल टावर था छोटा सा, जिसको हम छोटा अमेरिका कह रहे थे। और बाकी ये शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं उस टाइप के, यहाँ पे वो हैं शॉप वगैरह खुली पड़ी है लेडीज़ वगैरह के या जेंट्स वगैरह के, सब चीज़ प्रॉपर हैं। ये दुकान वगैरह सब है। सबसे मस्त चीज़ यहाँ का व्यू है, व्यू चेक करो। एक तो ये है, इतनी मतलब पीछे इसकी सोसाइटी बन गई है, इस मतलब 4 BHK या 5 BHK है ये जो भी है ना, इसका व्यू चेक करो। हर जगह मतलब इस तो किसी को भी आना होता है ऑटो वगैरह से आना चाहे तो इस पे मतलब व्हाइट हाउस बोल के आ सकता है। यहाँ पे मतलब कैफे वगैरह भी हैं, किसी को मतलब मोबाइल वगैरह, मेडिकल शॉप वगैरह सब चीज़ें, जिम वगैरह सब, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ ना हो, है ना। ये ऊपर पूरा मॉल टाइप, मतलब ऊपर ना वो बना रखा किसी, मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं ना, चीफ गेस्ट वगैरह, उनके लिए ऊपर पार्क है और नीचे प्रॉपर दुकान। इधर जिम वगैरह भी है, बच्चों के खिलौने वगैरह, हर चीज़ की जो चीज़ की मतलब दिक्कत होनी चाहिए वो कुछ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि बहुत सी जगह होती हैं जो लोग घूमना चाहते हैं वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, बट यहाँ हर चीज़ है ऊपर नीचे। यहाँ पे अभी एक तो ये नया मॉल बन रहा है ना, इसी का पार्ट है। और फोटो वगैरह के लिए ना अभी शायद कोई आया होगा तो इस वजह से ये बंद कर रखा है। बाकी इसके अंदर का व्यू चेक करो, इसके अंदर खड़े होके लोग फोटो वगैरह लेते हैं, मतलब वीडियो वगैरह शूट करते हैं। और बाकी ऊपर ये प्लॉट वगैरह के लिए, जो फ्लैट वगैरह लेना चाहें उनके लिए ऑफिस वगैरह सब बनना पड़ा है इसमें। इधर रेस्टोरेंट वगैरह है, जिस साइड की कह रहा था ना मैं आईफिल टावर है, साइड में कह रहा था कि आईफिल टावर है उस साइड भी मतलब था, तो उस समय अच्छा व्यू आता था। उस समय मार्केट वगैरह भी लगती थी लीची त्यौहार वगैरह टाइम पे। गाड़ी तो दो ही है, ब्लेनो और स्विफ्ट, इसके जो कंपैरिजन में कुछ नहीं है। मॉडिफिकेशन कितनी भी कर लो कम नहीं होती है। बाकी हमारा टॉपिक कुछ और, तो हम कुछ और बात करते हैं, है ना। अभी तो ये मैं पीछे का बैक साइड का दिखाया हूँ, अभी फ्रंट साइड का भी दिखाता हूँ। बच्चों के लिए भी कितनी बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, जो आते हैं सोचते हैं कि हाँ आज मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा, बच्चों को लेके जाऊँगा घुमाने के लिए। तो वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि झूले वगैरह नहीं होते, तो यहाँ पर प्रॉपर गेमिंग वगैरह के लिए सब चीज़ है। यह है गेमिंग वगैरह के लिए, मसाज वगैरह के लिए भी है इसमें, गेमिंग वगैरह सब होती है। ये प्रॉपर्टीज़ के लिए, प्रॉपर्टीज़ डीलर है ना। पूरा व्यू चेक करो ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा व्यू चेक करो, क्या ही व्यू आते हैं यार। ये लाइटिंग की है, दिन में भी मस्त है, रात की तो अलग ही है। रात में ही लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी बना रखी है। ये स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है बहुत बढ़िया है। आया हूँ तो मैं भी एक आध फोटो खींच ही लूँगा, है ना। फिर देखना इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल अमीर श्रीवास्तव के नाम से, उस पर भी जाओ आप फॉलो वगैरह करो, है ना। ये देखो शॉप वगैरह बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आज तो खैर मंगलवार है तो उतनी भीड़ नहीं है, संडे को कभी आओगे ना, संडे को इतनी भीड़ होती है इधर। ये तो हो गया मतलब मैं पीछे के साइड का दिखाया था, अब मैं दिखाता हूँ आगे के साइड का। ये हो गया एंट्री गेट होती है जो, वो ये एंट्री गेट हो गई। और ये है वर्ल्ड स्ट्रीट का वर्ल्ड डब्ल्यू, खजाना किधर है, डब्ल्यू के नीचे, है ना। यहाँ पे फोटो वगैरह अलग में इंडिया। ये भी दुकान शॉप वगैरह यहाँ पे, मतलब जेंट्स के और लेडीज के दोनों, इधर ना मतलब शॉप ही है प्रॉपर, इधर शॉप है, बैक साइड में भी शॉप है
और जो मेन चीज़ है खासकर बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो खैर ये अपना झूला यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं फुल मौज में। और यहाँ पे मतलब फैमिली वगैरह बैठ कर रेस्टोरेंट में खा पी सकती है। और शॉप की बात हुई थी ना, शॉपिंग ओपन तो मैंने दिखा दिया पीछे के साइड का, ठीक है। अब और भी है, ये तो मतलब बस उस चीज़ के लिए थी, शॉप वगैरह थी, रेस्टोरेंट वगैरह भी बाकी है, रेस्टोरेंट भी बाकी है। अभी आगे के साइड में जो एंट्रेंस में ना मतलब दो साइड में बना रखे हैं फोन बूथ वगैरह जिसपे फोटो शूट वगैरह होती है। ये देखो पीछे का व्यू चेक करो, बैक जो व्यू आ रही है ना वो चेक करो। और दिखाता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए है झूला, जंप वगैरह करने के लिए, जिमनास्टिक वगैरह जो होती है उनके लिए है। ये है सिक्योरिटी यहाँ की, देखो आप प्रॉपर देखो, बहुत ही बढ़िया व्यू है, लोकेशन भी अच्छी है। ये भी स्कूल है, जस्ट इसके पीछे स्कूल है, ये लगता नहीं। और हाँ ये है चाय अड्डा, यहाँ इसमें आया था भाई, बहुत ही बढ़िया मस्त खाना पीना सब बढ़िया चीज़, इसमें एक एक चीज़ हाइजीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। इधर भी है शॉपिंग टाइप में, जो शूज़ वगैरह लेने के बहुत शौकीन होते हैं तो इधर आ सकते हैं, कलेक्शन बहुत अच्छा है इधर का। इधर भाई फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो क्या वीडियो शूट हो रही है भाइयों की। हम अपना नॉर्मल आए हैं ब्लॉग स्टार्ट करने आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको मैंने कह रहा था मैं नई जगह पर जाकर आपको विजिट कराऊँगा और सब चीज़ दिखाऊँगा कि हाँ यहाँ घूमना वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लगा हो तो भाई वर्थ इट है घूमना। मैं भी आता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर कोई सोचे कि फ़ोटो शूट कैमरा से हो जाए जो DSLR वगैरह होते हैं तो वो तो बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ती है तभी होगा। यहाँ यहाँ पे शूट वगैरह होते हैं गाने के, इसमें मेरा एक फ्रेंड था वो जॉब करता था यहाँ पे, फोटोज वगैरह जाते जाते शेर दिखाऊंगा, शेर शेर हम अपने शेर भाई से मिलवाऊंगा क्यों नहीं ये आ गए हम फोटोशूट की जगह पे, बट यहाँ कैमरा से शूट नहीं होगा, बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। देखो ये शूज कलेक्शन, जैसे हम लोग लड़के हो गए हम लोगों के लिए हो गई ये, यहाँ फोटोशूट ऐसे फैमिली के साथ, फैमिली लाइक फुल जगह है, घूम सकते हो मौज में, कोई इशू नहीं है। किसी को ज्वेलरीज की कलेक्शन करनी हो वो यहाँ आ सकता है, सॉरी ये तो सैलून है, लेडीज सैलून है, सॉरी शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। LG वगैरह TV वगैरह सब चीज़ प्रॉपर शॉप है ये, अभी एंड तक जाऊंगा, फिर इसके बैक साइड भी है वहाँ पे भी दिखाऊंगा, फोटो शूट बहुत अच्छी है। ये पार्किंग होगी इस साइड की, ऐसे पीछे देखना लुक, और लुक भाई लुक फोटो शूट में बोलो पागल हो जाते हैं, आनी चाहिए। कैफे वगैरह हर चीज़ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हो फुल मौज कर सकते हो फैमिली के साथ, तो खासकर आना हो तो फैमिली के साथ आना, मैं अकेला आया हूँ नहीं तो मैं भी फैमिली के साथ आता, अभी क्योंकि अकेला इसलिए आया हूँ आप लोगों को दिखाना, तो फैमिली भी फिर इंजॉय नहीं कर पाती, मैं भी नहीं कर पाता, इसलिए मैं अकेला आया हूँ अभी आपको दिखाऊंगा। और इस ब्लॉग में मैं बता रहा हूँ कल से परसों के बीच में एक और जगह है वहाँ पर भी घुमाऊँगा, और वो नहीं खुली है, एक बार जरूर देखना उसको देखकर जो मज़ा आएगा वो अलग ही आएगा, क्योंकि वो यहाँ का थीम नहीं है, वो इंडिया का थीम ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री का थीम है, और नाम भी नहीं बताऊँगा क्या चीज़ है, उसी टाइम बताऊँगा क्या था, ठीक है। अभी यहाँ का व्यू चेक करो बस,
सेल। अच्छा आएगा इसका। ये आई लव WS, इसे वर्ल्ड स्ट्रीट भी कहते हैं, व्हाइट हाउस भी कहते हैं, और जो मैं कह रहा था फोन बूथ, ये है, चेक करो। वाओ ब्यूटीफुल, ये चेक करो, इधर भी शॉप वगैरह है, ये कैफे है सॉरी, और इधर फोन बूथ है, यहाँ पे सूट वगैरह होती है, फोटो लेते हैं वगैरह, है ना। और शूज वगैरह के लिए, और स्वीट वगैरह मैंने नहीं दिखाई है, स्वीट वगैरह भी इसी लाइन में, ये प्यूमा रेड टेप, रेड टेप, ये तुलसी रेस्टोरेंट है, और स्वीट्स लिए बाहर इनके लगे पड़े हैं, आप आओ फैमिली के साथ। तुलसी से ज़्यादा मेरे को, मतलब तुलसी का भी टेस्ट बढ़िया है, लेकिन ओम स्वीट का कुछ ज़्यादा अच्छा है। यूनाइटेड कलर्स 50% ऑफ है। आ गया अभी मैं ओम स्वीट के पास, ये है ओम स्वीट। मैं बाहर बाहर से चेक करवा रहा हूँ बस, अभी अंदर नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा ना, इस पर देखता हूँ इस बार इस पर 1K व्यू अगर ला दिए तो पक्का अगली बार अंदर दे जाकर दिखाऊंगा एक एक दुकान में, अभी के टारगेट में इतना नहीं है, ठीक है। और ये हाँ, एक चीज़ और, जिस चीज़ की मतलब जो बच्चों को मतलब ज़्यादा पसंद आती हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें होती हैं ये भाई, जो बच्चों देख रहे हो ना, वाइल्ड स्ट्रीट आना फैमिली के साथ, नहीं भी आए घर वाले तो जबरदस्ती मनाना और लेके आना, और इस पर जरूर सवारी करना, क्योंकि ये तो बच्चों की पसंद होती है। नहीं मुझे जानकार नहीं मिल रहा है, भाई अब दूसरी जगह आ गया, वहाँ चेक कराता हूँ। वेट, पीछे का देखो, पीछे का ऐसा व्यू है, ये रेस्टोरेंट वगैरह है भाई, ये चेक करो, क्या नाम है, क्लैशिंग है ना, नीचे कैफे इनकी। अरे क्या हो गया कुल, बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। क्या हो गया हुँ? चलो बाद में मिलते हैं, बाय। और ये है महिंद्रा थार। आज के लिए इतना ही, इस वाले व्लॉग पे 1K करवा दो, 1K करवा दो, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग होगा जो मैं यहाँ, मतलब पहला नहीं है, सेकंड टाइम का व्लॉग है मेरा, लेकिन 1K व्यू नहीं आया अभी तक, इस बार करवा दो 100% कह रहा हूँ, दुकान के अंदर जाके ना कराया ना भाई, नाम बदल देगा। मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरे को गिटार क्लास के लिए भी जाना है। पीछे से व्यू चेक करा तुम, बाहर से व्यू चेक करा तुम, बाहर से व्यू कैसा है इसका, ठीक है, चेक करना, आंखें खोल के रखना एक एक। और हाँ, सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं वैसे, लेकिन अपने मन से कर दो यार, कम से कम देखे, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, करवा दो यार 10K सब्सक्राइबर, क्या जाता है छोटा भाई, इतना कर रहा हूँ तो इतना कर दो अपने भाई के लिए। चलो चेक कराता हूँ व्यू, चेक करो, ये चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे US आ के हो, चेक कर रहे हो USA। चलो भाई आज के लिए इतना ही, अब मैं भी चलता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और लाइक तो खैर कर ही देते हो, कोई बात नहीं, कर देना, कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं भूल जाना, कर देना। ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।